रोमियो, तू कुछ कहना चाह रहा था ना? हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि गर्मी की छुट्टी में सही लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। बात तो सही, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि एक ही हरिहर के यहाँ सही लोग मत जाइए, एक ही हरिहर के अगर हो जाऊंगा तो बनिए। अच्छा, ये सही कह रहा है कि एक ही परिवार के यहाँ सभी लोग मत जाइए, एक ही परिवार के ऊपर बोझ मत बनिए। तो क्या करना चाहिए? अरे, अपने बच्चों को उसके नानी के घर भेज दो। बिल्कुल सही, अपने बच्चों को उसके नानी के घर भेज दीजिए, अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दीजिए, और खुद अपने ससुराल चले जाइए। कम से कम एक परिवार के ऊपर बोझ तो नहीं आएगा ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा रोमियो, तुझे क्या लगता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कैसे की होगी? अरे मुझे पता है ना। कैसे? एक बार वो बैठ के अपने उन दोस्तों को गिन रहे थे जो अपनी पत्नी से नहीं डरते हैं, तब जाकर शून्य की खोज हुई। अच्छा रोमियो, एक बात बता, दुख तो अपना साथी है, सुख आता जाता रहता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पत्नी हमेशा साथ रहती है और साली आती जाती रहती है। रोमियो, ऐसे तो किसी की पत्नी शांत स्वभाव की होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी की पत्नी शांत स्वभाव की है तो इसे क्या समझना चाहिए? ये तो चिंता का विषय है। क्या बात कर रहा है यार, ऐसे तो किसी की पत्नी शांत स्वभाव की होती नहीं है, लेकिन अगर किसी की पत्नी शांत स्वभाव की है ये तो उसके लिए अच्छी बात है ना। एक बात याद रख। क्या? उच्च क्वालिटी के रिवॉल्वर नहीं, साइलेंसर लगा होता है। अरे यार, कौन कहता है पेट्रोल महंगा हो गया है? हाँ यार, पेट्रोल तो महंगा तो हुआ है ना। अरे मैं 10 रुपए का पेट्रोल भरवा कर 20 किलोमीटर घूम कर आया हूँ। तूने 10 रुपए का पेट्रोल भरवाया और 20 किलोमीटर घूम कर आया? और क्या, तू ही कर सकता है। कैसे बता ना, सब लोग जानना चाहते कैसे। देख, 10 रुपए का पेट्रोल एक होटल में भरवाने का, 10 रुपए का पेट्रोल एक होटल में भरवाने का, और साइकिल से घूमने निकल जाने का। अरे तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एक आंटी से टकरा गया और आंटी कीचड़ में गिर गई। Oh, no. फिर तो आंटी ने तुझे बहुत धोया होगा हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने तुरंत मामला सेट कर लिया, शांत कर लिया। कैसे? मैंने तुरंत कहा, सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल। अरे क्या हो गया रोमियो, परेशान लग रहा है? अरे हाँ यार, मैं ये हड़ताल वालों से परेशान हूँ। हड़ताल वालों से परेशान? कुछ समझ में नहीं आया यार। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है, तू बता तो सही। अरे मैं कहता हूँ कि जब सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी को रोड पे फेंक देते हैं। हाँ, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी को रोड पे फेंक देते हैं, सही बात है। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध को रोड पे फेंक देते हैं। हाँ, दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध को रोड पे फेंक देते हैं। ये गैंग वालों को अकल खो आएगी। हड़ताल करके रखा है लेकिन पैसे नहीं फेंक रहे रोड पे। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।